नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री बाल कृष्ण भगवान की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री भाष्यकार भगवान की जय जगदवंदे जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय पूज्य गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय पूज्य पाद श्री भंडारी बाबा जी महाराज जय पूज्य चरण श्री राम सुमिरन दास जी महाराज की जय जय श्री श्री जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव आइए दो बार बड़े प्रेम से भगवान की कथा का उच्चारण करने से पूर्व भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व दो बार बड़े प्रेम से श्रद्धा से भक्ति से अनुराग से मस्ती से मुस्कुरा के भगवान नाम का स्मरण किया जाए। ठाकुर हमारे रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण ठाकुर हमारे रमण बिहारी ठाकुर हमारे ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी ठाकुर ताली सेवा करें जय जय साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म रमण बिहारी
झूम कर बोलो प्यारे बबै। चाहे बुरा कहे कोई भला चाहे बुरा कहे कोई भला चाहे बुरा कहे कोई भला चाहे बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के हम हो चुके अवध बिहारी के हम हो चुके अवध बिहारी के हम हो गए साधु गुरु அகில கல்யாண குணங்கள் நிலை பரமானந்த கந்த சின்மூர்த்தி அகில ரசாமிருத சிந்து சாரரச விக்கிரக புரணானுராக ரச சார சரோவர சமோத்பூத பங்கஜ பத்மாவதி சரணச்சாரண சக்கரவர்த்தி பிராணநாத் மதுராநாத் கோபிநாத் துவாரிகாநாத் தீனாநாத் பக்த வத்சல் கிருபா வத்சல் கருணா வத்சல் சரணாகத வத்சல் ஸ்ரீ தாக்கூர் ஜி கி அஹைதுகி கிருபா கே காரண தர்ம சன்ஸ்கிருதி परंपरा से परिपूर्ण कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशिनी कल्याणदा पुण्यदा शुभदा शुभ्रदा आत्मसंचेतना को नए आयाम तक पहुंचाने वाली यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा धर्म यज्ञ प्रेम यज्ञ पुण्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ महोत्सव में हम सभी समवेत रूप से एकीभूत होकर उपस्थित हो रहे हैं। इस पावन असिंचक की भूमि पर आयोजित श्रीमद् भागवत सत्र में भगवत कथा के माध्यम से इस दिव्य रस का आस्वादन करते हुए समस्त इस पावन प्रांगण में विराजमान समस्त भगवत भागवत जन इस आयोजन को आयोजित करने वाले
समस्त आयोजक मंडल, संतजन, सुधिजन, वैष्णवजन, विज्ञजन, विद्वत्जन, मंच पर विराजमान समस्त, संगीत की प्रसूनांजलि भगवान के पावन पाद पद्मों में समर्पित कर रहे समस्त भगवती माता शारदा के उपासक समस्त संगीतज्ञ बंधु, आचार्य पंडित भरद्वाज शास्त्री एवं वैदिक विद्वद्गण, इस दिव्य महोत्सव में द्वितीय दिन की इस बैठक में उपस्थित हो रही गार्गी गीता सीता सत्या सावित्री अनुसुईया के अनुकरणों को अनुप्राणित करने वाली समस्त मातृशक्ति, भगवान श्री बालकृष्ण के बाल सखा स्वरूप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आज हम भारतीयों का तो नहीं लेकिन हम भारतीयों में भी अब ये प्रवेश कर चुका है, आज नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। वस्तुतः हम लोगों का नववर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, पर आज बहुत लोग नववर्ष मना रहे हैं तो हम लोग भी इस नववर्ष में उपस्थित हो रहे हैं। कितने लोग शराब पी के नववर्ष मना रहे होंगे, कितने लोग शबाब से नववर्ष मना रहे होंगे, कितने लोग सड़क पर गिरे होंगे, कितने नालियों में गिरे होंगे, लेकिन हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, असिंचक वासी, समस्तीपुर दलसिंह सराय वासी, कि हम ठाकुर के चरणों में गिरकर वृंदा विपिन बिहारी भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर घन श्याम आनंद कंद सुधा सिंधु ब्रजंद ब्रजनंदन भगवान श्री द्वारिका नाथ मथुरा नाथ, जिनके चरण का शरण लेकर के समस्त इंद्रादि ब्रह्मादि देवता भी शरण में आकर के गिरते हैं, जिस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े संत योगिंद्र हंस परमहंस अमलात्मा विमलात्मा पुण्यात्मा सिद्धात्मा महात्मा अनंत काल की सिद्धि साधना समाधि लगा करके उपस्थित होने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी ठाकुर जी उनके ऊपर अनुग्रह नहीं करते हैं, फिर कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ उपस्थित होकर 2020 के 1 जनवरी में प्रथम वर्ष में भगवान की भागवती कथा सुनो। इससे बड़ा सौभाग्य अब क्या हो सकता है? एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ भगवान की कथा और तीसरी तरफ भगवान के भक्त। यह कथा आप ही नहीं सुन रहे, यह कथा इंटरनेट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में प्रसारित हो रही है। YouTube पर अभी आप देखेंगे तो चल रही है कथा, पूरा विश्व देख रहा है, सनातन संस्कृति से जुड़े सारे लोग समझ रहे हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जीवन का प्रारंभ भगवान के चरणों से प्रारंभ हो, भगवान के चरण से निकली हुई गंगा, जिस गंगा में स्नान करने के बाद हमारे जीवन के पाप धुल जाते हैं, यह भगवान के आचरण की गंगा है, जिस गंगा में हम स्नान करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल। ये भगवान के आचरण की गंगा है,
भगवान की चरण गंगा में स्नान करेंगे, डूबेंगे तो मरने की संभावना है, मरने के बाद तब तरेंगे, लेकिन यह भगवान के आचरण की गंगा है, इसमें स्नान करेंगे, इसमें डूबेंगे तो जीते जी ही तर जाएंगे और सुधर जाएंगे। यह जीवन को सुधारने के लिए कथा आई है, ध्यान से सुनेंगे। यह कथा जीवन को सुधारने के लिए आई है, जीवन को संवारने के लिए आई है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस जी में कहते हैं, सठ सुधर ही सत संगति पाए, सठ सुधर ही सत संगति पाए, सठ सुधर सत संगत पाए, सत संगति पाए, पारस परस खुदा सुहाए, पारस परस खुदा सुहाए, पारस बड़े बड़े सठ बड़े बड़े महाअज्ञानी भी जब किसी संत महापुरुष के जीवन सानिध्य में जाते हैं, उनके जीवन में सुधार हो जाता है। यह सुधार यज्ञ है, इस सुधरने का समय है, और जो नहीं सुधरेंगे वो मन पचित ही है, अवसर बीते। हम लोग शुभ कर्म कर रहे हैं, दुनिया का हर कर्म कर्म नहीं है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, दुनिया का हर कर्म कर्म नहीं है, और जो वास्तविक कर्म है वही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, बड़े ध्यान से समझेंगे। दुनिया का हर कर्म पूजा नहीं है, हर कर्म नहीं है। गीता में तीन प्रकार के कर्म की चर्चा किया भगवान श्री श्याम सुंदर ने, कर्म अकर्म और विकर्म। हम जहां बैठे ये कर्म है, अब प्रश्न उठता है कि कर्म कहते किसे हैं? तो कर्म की परिभाषा है करेक्ट एक्शन, बड़े ध्यान से समझेंगे, जो करेक्ट एक्शन है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो कर्म है। करेक्ट एक्शन मींस जैसे चाकू डकैत के भी हाथ में होती है, चाकू डॉक्टर के भी हाथ में होती है, चलाने का काम दोनों करते हैं, दोनों पेट में ही मारते हैं, लेकिन डाकू जो मारता है वो चाकू मारने की हैसियत से मारता है। तो डाकू के द्वारा चलाए गए चाकू का जो कर्म है वो कर्म नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि करेक्ट एक्शन नहीं है, उसकी सोच सापेक्ष नहीं है, उसकी सोच निगेटिव है, उसकी सोच किसी को जान से मारने की, इसलिए जान से मारने वाला जो कर्म है वो कर्म नहीं है। कर्म का मतलब क्या है? करेक्ट एक्शन, पॉजिटिव वर्क। लेकिन जब डॉक्टर मारता है छुरा तो उसकी नियत होती है प्राण बचाना। हम जो आयोजन किए हैं उसका मुख्य उद्देश्य है समाज को सुधारना।
अगर कथा सुनने के बाद भी समाज नहीं सुधरा, कथा सुनने के बाद भी हमारा शुद्ध चरित्र चित्त नहीं हुआ, तो हमारी गति माता सती की हो जाएगी। एक बार त्रेता युग माय, एक बार त्रेता युग माय, एक बार त्रेता युग माय, एक बार त्रे जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार माता पार्वती को भगवान शिव माता सती को कथा सुनने के लिए लेकर चले, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन पार्वती जी ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि अहंकार का कण उनके आंखों में पड़ गया। हम कल बच्चों को बुलाकर रात में समझा रहे थे, देखिए द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, बच्चे ही पिता होते हैं। भूल हुआ करती है, लेकिन अगर कोई जीवन में संत टकरा जाए, कोई सदपुरुष मिल जाए, तो हम अपने रास्ते को सही दिशा में ले चले। हमने बच्चों से कहा कि देखो बच्चे, कथा तुम्हें बैठकर सुननी होगी, जितने देर तक कथा चलेगी। राहुल हरिओम वो कौन कौन बच्चे थे हम तो जानते भी, नाम नमन और क्या क्या उन सबों का नाम है, भूल जाते हैं बहुतों। अब नाम याद करें, रोज तो जजमान ही बदल रहे हैं, तो किसका किसका नाम याद, 1000 से तो ऊपर एक साल में जजमान हो जाएंगे। तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी। कथा सुनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आयोजन किया है कथा सुनने के लिए, तो केवल यहां से उधर घूमना नहीं। आज हमारा एक चेला आया कन्हैया, आपके गांव का ही है, उसको भी हमने कहा कि तुम तो हमको बुला के अपने भाग गए, आया करो सुना करो, क्योंकि जो सुनेगा वही धुनेगा, वही गुनेगा, वही महान होगा। आपने कल राम सुरेंद्र दास जी को सुना ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं भगवान श्री राम से। कथा सुनना एक बहुत बड़ी कला है। बहुत लोग कथा में बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, फिर कथा से उठकर खड़े हो जाए। तो कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। माता सती ने नहीं सुना, जिसका परिणाम क्या हुआ, सती को आग में जलना पड़ा। इसका मतलब यह है कि जो कथा नहीं सुनेगा उसको भी जीवन में जलना पड़े। जलने का मतलब गृह कारज नाना जम जाला, गृह कारज नाना जम जाला, गृह कारज दुर्गम शैल विशाला। इस
इसलिए जलने से बचना चाहते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मान से, मद से, ईर्ष्या से, राग से, द्वेष से, अभिनिवेश से, प्रमाद, उन्माद, विषाद, अवसाद, विवाद से परे होकर भगवान की मधुर माधुर्य दिव्य सौरस सौगंध सौ मनस्य से आवृत आप्लावित इस दिव्य रस का आनंद लेना चाहिए। यह कथा मिलने वाली नहीं है, बड़े भाग्य से किसी के जीवन में भगवान की कथा मिलती है। दुर्लभ ही वह कथा लोगे, भगवान की कथा ही दुर्लभ है, और उसमें भी श्रीमद् भागवत की कथा तो और दुर्लभ है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए, कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान नारद वृंदावन में मिले, भक्ति के चरित्रों को शनकादि कुमारों से सुनाया। नारद जी ने कहा, हे शरद कुमारों, मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया पर शांति कहीं नहीं मिली। वृंदावन गया तो देखा कि एक देवी जी दो नौजवान दो वृद्धों के सामने खड़ी हैं और दसों दिशाओं में अपने सहयोग की प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं रास्ता पकड़कर जा रहा था, देवी ने कहा, साधु बाबा जरा कुछ देर के लिए रुक जाओ। नारद जी संत हैं, खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? नारद जी सोचे, हो सकता है सत्संग हो रहा होगा, जहां समूह है वहां सत्संग हो रहा। नारद जी ने पूछा, देवी जी आपका परिचय क्या है, आप कौन हो? देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतो। हे नारद, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने पूछा, ये दोनों आपके बेटे हैं, दोनों बूढ़े हो गए, आप आ कहां से रही हो? काउतपन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में। भक्ति संप्रदाय के जितने भी आचार्य आए सब दक्षिण से आए, दक्षिण भारत से। भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय आदि के सभी संत दक्षिण मार्ग से, दक्षिण भारत से ही आए। भक्ति महारानी का दक्षिण भारत नैहर है। भक्ति ने कहा, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में स्वागत हुआ, लेकिन गुजरात गई तो मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो। नारद जी बोले, तब फिर क्या हुआ? भक्ति ने कहा, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। जे वहीं मैं गुजरात से वृंदावन आई। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदायाः तुलस्याः वनम वृंदावनम, वृंदानाम भक्तानाम अवनम रक्षणम यत्र स वृंदावनम। वृंदावन का स्पर्श हुआ, बड़ा पवित्र तीर्थ है वृंदावन। अच्छा, कितने लोग वृंदावन गए जरा हाथ उठाएं। वृंदावन जाना चाहिए। माई रे मोहे लागो वृंदावन को, माई रे मोहे लागो वृंदावन को, माई रे मोहे लागो।
आदि रे मोहे लागो वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को अली रे मोहे लागे वृंदावन नी को, अली रे मोहे लागे वृंदावन नी को। सेवा करें मस्ती में झूम कर बोलो प्यारे कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, फिरथ राधिका, फिरथ राधिका, फिरथ राधिका। सब सुनत मुरली को आली रे मोहि लागे वृंदावन नी को, आली रे मोहि लागे वृंदावन नी को। कहे प्रभु
गिरिधर नाथ कहे प्रभु गिरिधर नाग नागर गिरिधर नागर भजन बिना नर की भगवान नारद ने कहा मैं वृंदावन गया। वृंदावन गए, वृंदावन की खासियत क्या है? बोले श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, गोपी गीत में वर्णन कर रहे हैं दशम स्कंध में। वृंदावन में महालक्ष्मी जी विराजती हैं और भगवान श्री श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन बिन बिहारी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य सौंदर्य सौगंध सौ मनुष्य का आस्वादन करती हुई उनका अन्वेषण करती है, उनकी गवेषणा करती है, उनको खोजती रहती है। वृंदावन सुंदरी दो वृद्ध, ये घटना कहां के? वृंदावन में ज्ञान गुदरी एक जगह है। ज्ञान गुदरी में ही वृंदावन में नारद भक्ति का मिलन हुआ। वृंदावन में ही गोपी और उद्धव का संवाद ज्ञान गुदरी में ही हुआ है। आज भी वृंदावन की एक परंपरा है कि वृंदावन में यदि कोई मर गया तो मरने के बाद उसको ज्ञान गुदरी ले आते हैं और उसके शरीर पर ज्ञान गुदरी का धूल उठाकर फेंकते हैं। शायद उस कण में श्याम सुंदर के चरण का एक कण हो। वाह वाह, ये वृंदावन की विशेषता है। आज भी बिहारी जी वहां विराजते हैं महाराज। नारद जी ने कहा देवी आपके बच्चे दोनों भी बूढ़े हो गए। देवी ने कहा यही दुख का तो कारण है, माता पिता जवान हो बच्चे बूढ़े हो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता। बच्चे नौजवान हो माता पिता बूढ़े हो तो कोई बात नहीं। महाराज मैं सोच रही हूं यदि ये मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाते तो इदम स्थानम परित्यक्तम विदेशम गम्यते मया, इस स्थान का परित्याग करके छोड़ करके मैं विदेश चली जाती। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, ध्यान से सुनेंगे बहुत गंभीर दर्शन है। नारद जी संत हैं, संत ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करते हैं। भक्ति भी हो ज्ञान भी हो यदि वैराग्य न हो तो सब बेकार हो जाए। अब नारद जी एक क्षण में सब बात समझ गए। नारद जी ने कहा देवी चिंता न करो मैं समझ गया, कलयुग का प्रभाव है। भक्ति महारानी कहा महाराज कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने क्यों दिया? प्रथम परीक्षितो राजा, कलयुग की स्थापना महाराज परीक्षित ने क्यों की? नारद जी कहते हैं देखो देवी जब कलयुग को मारने लगे महाराज परीक्षित तो उनके चरणों में गिर करके कहा महाराज मुझे मारो मत। क्यों? कायत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना।
जो फल योग से यज्ञ से समाधि से नयो न समा तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन। इसी बात का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया, नहीं कली कर मन भगति विवेक, नहीं कल कर मन भगति विवेको, नहीं कल कर मन भगति विवेको। राम नाम राम राम नाम अवलंबन एको, नहीं कलि कर मन भगति विवेको, नहीं कलि कर मन भगति विवेको। महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया कलयुग को मारने, आप लोग बार बार आगे बताया करो, बैठो आप लोग, चलिए बैठिए, बार बार ये आगे जाने वाला क्या है समझ। बार बार आप लोग आगे से आना जाना, बिल्कुल कोई नहीं आएगा, अन कोई कुछ करेगा, बैठो सब लोग। कलयुग को महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया, लेकिन दुष्ट को यदि आप छोड़ेंगे तो दुष्ट अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। नवनी नीच कर अति दुखदाई, नवनी नीच कर अति दुखदाई, नवनी नीच कर अति दुखदाई, कर अति दुखदाई, जमियां कुसी धनु उर्ग बिलाई। नीच जब भी झुकता है तो समझिए कोई ना कोई खतरा जरूर करे। अंकुश झुकता है तब वार, धनुष झुकता है तब वार, सांप झुकता है तब और बिलार झुकती है तब। लोग कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः बदलालित्यम महागे शंत गुणत्, लेकिन मैं तो कहता हूं उपमा तुलसीदासस्। तुलसीदास का उपमा उपमेय उपमान देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। राजा परीक्षित ने छोड़ दिया कलयुग को, आप लोग आके इधर बैठिए, सामने इधर बैठा करिए, बाएं नहीं इधर सामने बैठो। लेकिन कलयुग ने अपना लक्षण नहीं छोड़ा, परिणाम क्या हुआ, कलयुग के प्रभाव से लोग कुकर्मी हो गए, कुकर्म आचरण करने लगे और विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। आज भागवत के कथावाचक हर गली में आपको मिलेंगे, जिसको कुछ नहीं आता वो भी कथा कह रहा है। एक महाराज जी थे, एक चेला को गुरुमुख किए, दीक्षा दिया, हमारे भी सब शिष्य बैठे,
तो चेले को दीक्षा दिए तो चेले ने कहा गुरु जी अब तो हमारे आप गुरु हो गए, कुछ सुनाओ। गुरु जी ने कहा क्या सुनाओ बेटा, कथा सुनाओ? बोले अरे कथा तो बहुत सुने, रामचरित मानस सुनाओ? बोले अरे तो बहुत सिंपल है, कुछ ऊपर की चीज सुनाओ। तो गुरु जी को लगा कि हम चेला तो भले बनाए लेकिन ये गुरु का भी गुरु है। गुरु जी को लगा कि ये तो हमारा भी गुरु निकला, कोई बात नहीं। तो गुरु जी ने कहा गीता सुनाओ, कहां थोड़ा सुनाओ, वो थोड़ी अच्छी लगेगी, थोड़ा भास्ट है, हल्की चीजें सुनने की आदत नहीं है। अब गुरु जी ने शुरू किया सुनाना, सर्वोपनिषदो गाओ, दुग्धा गोपाल नंदन। गुरु जी ने कहा सारे उपनिषद गाए हैं और भगवान दूध दुहने वाले हैं, सारे तत्वों का उन्होंने वर्णन कर दिया, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सारे योग कह दिए, विषाद योग, सारे योग कह गए। गुरुजी ने पूछा चेला सब समझ में आया कि नहीं? बोला अरे गुरुजी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय से लेकर आद्योपांत 700 श्लोक सभी सब समझ में आ गई, लेकिन एक बात गुरुजी समझ में नहीं आई। अब गुरुजी भी थोड़े डर गए कि इतना समझने के बाद एक बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब चेला बहुत जानकार है, उसकी बहुत गाढ़ी गंभीर प्रगाढ़ प्रज्ञा है। महाराज जी ने कहा क्या समझ में नहीं आई तुम्हें बेटा? महाराज जी आपने कहा कि सर्वोपनिषदों का सभी उपनिषद गाए हैं, लेकिन आपने कहा दो गधा, ये दो गधे कौन हैं? गुरु जी ने पढ़ा दो गधा और उसको सुनाया दो गधा। तो गुरु जी बोले दूसरे नहीं है बेटा, एक हम गधे एक तुम गधे। बड़े ध्यान से समझेंगे, दुग्धा गोपाल नंदन। आज कथा का सार खत्म हो गया, आज कथाओं की हालत क्या है देख रहे हैं? अरे हुतासने हाटकसम परीक्षा, महाहवे शस्त्रभृताम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। सिद्धांत कौमदी समझ में नहीं आई तो भागवत क्या समझ में आएगी? काव्य प्रकाश ध्वन्यालोक रस गंगाधर नहीं पढ़ा, महाभाष्य नहीं पढ़ा, वेदांत दर्शन नहीं पढ़ा, षड दर्शनों को नहीं समझा, तो फिर भागवत क्या समझ में आएगी? लेकिन आज भागवत माने आर कृष्णा, हर 5 मिनट पर गाने हो रहे हैं, चुटकुल्ले हो रहे हैं, महाराज जी भी नाच रहे हैं और श्रोता भी नाच रहे, बोले भागवत हो रही है। हां इसलिए बड़े ध्यान से समझेंगे, कथा का सार भी समाप्त हो गया। विप्रईर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, यह जो भागवत का आपने असिंचक में आयोजन कराया है इसका एक उद्देश्य है क्या? समाज का सुधार। और कथावाचक पहले ही डर जाए कि कहीं हमारा पहले ही सुधार न हो जाए तो फिर वो समाज क्या सुधारेगा? समाज सुधारने के लिए आयोजन किया गया। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ अपने पास रखे हैं, पैसे हैं, कार है, पर संस्कार नहीं है। हम आकृति से मनुष्य हैं पर प्रकृति से मनुष्य नहीं है। हमारा आहार विहार व्यवहार संस्कार सब छिन्न हो चुका है। बड़े छोटों का आदर प्रेम परस्पर सम्मान कैसे करना चाहिए इसको हम भूल चुके हैं।
कलयुग के प्रभाव से आप इसको पिएंगे तो जीवन सुधर जाएगा, उसको पिएंगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। पीने वाले की पत्नी से पूछो, पीने वालों के बच्चों से पूछो, उनकी क्या दुर्दशा होती है। जिसका पति शराब पी के आता हो, जिसका बाप शराब पीकर आता हो, और जब उसके मुंह से दुर्गंध आती है, उस समय पत्नी बेचारी क्या सोचती होगी, हे भगवान ब्रह्मा, हमारा कौन सा ऐसा अपराध था कि इसके साथ आपने विवाह किया। कोई भारतीय नारी नहीं चाहती कि मेरा पति शराब पिए, मेरा पति कुकर्म करे, मेरा पति गलत रास्ते पर जाए। लेकिन भटके हुए लोगों के लिए, अटके हुए लोगों के लिए, छटके हुए लोगों के लिए, लटके हुए लोगों के लिए सबसे बड़ा विश्राम है भागवत की कथा। इससे बड़ा कोई विश्राम का स्थल नहीं है। जीवन में जगत के संग्राम से यदि जीवन में विश्राम चाहिए तो उपराम होकर राम की शरण में आना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा, वरना कल्याण। बच्चों ने मजाक में ही भागवत का आयोजन करा दिया, लेकिन धन्यवाद, अच्छा काम किया। आप लोगों को इन्हें पुरस्कृत करना चाहिए कि तुमने, और सामान्य लोगों को भी कथा सुनानी चाहिए, तभी कथा पढ़ने का फल प्राप्त होगा। नहीं तो कारपोरेशन में, कारपोरेट में रहेंगे तो जीवन उसी में समाप्त होगा। जो 48 डिग्री के टेम्परेचर में नहीं चले हैं, वो 16 डिग्री वाले क्या जाने कि 48 डिग्री के टेम्परेचर में किसान कैसे काम करता है। संविधान बनाने वाले 16 डिग्री में रहते हैं, 16 डिग्री के एसी में बैठकर संविधान बनाते हैं, और किसान बेचारा 45 डिग्री के टेम्परेचर में गेहूं की मड़ाई, गन्ने की पेराई और ये तमाम मक्के की कटाई धुनाई करता रहता है। तो ये ऋषि प्रधान देश है, यह भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसी भी अवस्था में कथा को पुरस्कृत करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, इन बच्चों का उद्गार और बढ़ाना चाहिए। अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, चिंता न करो, तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीच के घर भी आ जाते हैं। देखो देवी, जिसके हृदय में भक्ति विराजती है वो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है, और जो भगवान के भक्तों से द्वेष करता है उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। आपने सुना होगा, दुर्वासा जी अम्बरीश को मारने के लिए चले, जिसका परिणाम हुआ कि उनके पीछे स्वयं सुदर्शन चक्र लग गया। बहुत समझाया भगवान नारद ने, भक्ति के पुत्रों को जगाने का प्रयास शुरू कर दिया। नारद जी ने वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य जागे तो जरूर लेकिन जमाई लेकर सो जाए। नारद जी बड़े घबरा गए, बड़े चिंतित हो गए, क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई, एतदर्थम कुशत कर्म सुरर्षे तुम समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधु भूषण। नारद जी इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी बोले, सत्कर्म कैसा सत्कर्म? बोले साधु लोग बताएंगे सत्कर्म की परिभाषा। नारद जी महाराज साधुओं की खोज में चले। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी किस्मत सजेगी। ओए तेरो बड़े भाग्य रे, ओए तेरो बड़े भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, तन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, संतन के संगदार रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो Oh,
आश्रम छोड़कर भाग गए। कितने महात्मा मौनी बाबा बन गए, कितनों ने कहा महाराज ये हमारे वश का नहीं। तब नारद जी ने सोचा अब चलेंगे बद्रिकाश्रम, वहां तपस्या करेंगे और भगवान को प्रकट करके पूछेंगे प्रभु सत्कर्म क्या है। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी ने घोषणा की है, आकाशवाणी हुई है, लघुवाणी है, आकाशवाणी है, व्योमवाणी है। ऐसा सोच करके नारद जी बद्रिकाश्रम आए तो वहां शरद कुमारों को देखा। रूप धरी चारी वो बे रूप नारद जी ने अपनी सारी बात बताई। महाराज पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा था, वृंदावन गया, एक देवी बहुत कष्ट में है, उनके पुत्रों को जगाने का प्रयास किया पर नहीं जागे। आकाशवाणी ने ऐसी बात कही तो यहां तक आ गया। नारद जी संत हैं, ध्यान से सुनिएगा। संत वो है जो संकट सहने के बाद भी दूसरे के संकट के अंत का प्रयास करे। संत का स्वभाव होता है और साधु का चरित्र होता है, दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विषद गुण मय फल जासु। संत संत सरल चित जगत हित, मानस पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। संत स्वभाव है, साधु चरित्र है। नारद जी महाराज ने सारी बात बताई, शरद कुमार बड़े मां चिंता करो देवर से हर से चित हर समचित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र बरतते पूर्वे वही। नारद जी आप चिंता न करो, ऐसी समस्याओं का समाधान पहले से है। कहां? कहा ज्ञान यज्ञ में। नारद जी ने कहा ज्ञान यज्ञ से क्या होगा महाराज? शरद कुमारों ने कहा दुनिया के जितने यज्ञ हैं स्वर्ग तक पहुंचाते हैं, और स्वर्ग जाने के बाद जब पुण्य नष्ट होता है तो फिर आदमी को यहां पर आना पड़ता है। छीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, गीता कह रही है। लेकिन ज्ञान यज्ञ के श्रवण करने के बाद, भगवान के चरित्रों की चर्चा करने के बाद, भागवत के रस का रसामृत पान करने के बाद, भगवत सुधा सिंधु रस में आप्लावित आनंदित मुदित प्रसन्न पुलकित होने के बाद, इसमें समाहित होने के बाद, इसमें प्रविष्ट होने के बाद, प्रवेश करने के बाद, घुस जाने के बाद, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। इस कथा को सुनने के बाद जीवन में फिर आने जाने का चक्कर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी आपने भगवान वेदव्यास को भागवत की कथा सुनाई थी, वही भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ है। आपको भागवत के महत्व के विषय में बोध नहीं है। आपने भगवान व्यास को भागवत का बोध कराया, उनकी चिंता को मिटाया, उनको चिंता के सागर से बाहर निकाला, और आप कहते हो भागवत से क्या हो? अरे नारद,
बताओ ते नहीं। सूत्रों का विस्तृत व्याख्यान है। तब सनत कुमारों ने कहा, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। नारद जी, ये वेद उपनिषदों के सार से भागवत की कथा निकली है। अगर मिठाई की जरूरत हो तो गन्ने को निचोड़ना पड़ेगा तब उससे रस निकलेगा। गन्ने को काट के रख दिया जाए तो रस निकलेगा, मिठाई मिलेगी नहीं। ये भागवत जो है वेद वेदांतों का निचोड़ है। अगर दूध घी की जरूरत हो तो दूध से दही दही बनाकर फिर मथेंगे तब घी निकलेगा। नारद जी महाराज बोले, महाराज समझ में नहीं आ रही है बात। सनत कुमारों ने कहा, देखो भैया, यह भागवत की कथा शोक और दुख दोनों को मिटाने में सामर्थ्यवान है। इतना सुनते ही नारद जी बड़े खुश हो गए। बोले, यद दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःख दवर्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतयो शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह महान्धकार ना संविदाय हि तदोदयते विवेकाय। बड़ा जिनका भाग्य होता है उनके जीवन में भागवत की कथा मिलती है। एक जन्म के प्रभाव से नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब प्रकट होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में भागवत की कथा सुनता है, सत्संग मिलता है। महाराज, सबके जीवन में सत्संग का सुलाभ प्राप्त नहीं होता। नारद जी बड़े खुश हुए, महाराज ज्ञान यज्ञ कहां करूं? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ तो करूंगा, कहां करूं? कश्रेणु नारद बच्चामो विनम्राय विवेकिने गंगाधार समीपे तो तटमानंद नामक। गंगा जी का द्वार हरिद्वार है, हरिद्वार में करो। नारद जी ने कहा, महाराज वहां कथा करेंगे, वहां तो बड़े हिंसक जीव आएंगे, जंगल है तो क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, जंगल में जीव आएंगे पर कुछ करेंगे नहीं। क्यों? जहां भगवान की कथा होती ना वहां कितना हो बड़ा कलह हो खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा तो झगड़ा भगवान शंकर के परिवार में है, लेकिन कोई किसी से झगड़ता नहीं। शेर बैल को देखता है, बैल शेर को चाटता है। सांप और मूसक आपस में प्रेम करते हैं। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। सहज बैर सब जीवन त्यागा, सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर कर अनुरागा, गिरि पर करही सकल अनुरागा। करिके हरि कपि कोल कुरंगा, करिके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रहि सब विगत बैर बिच रही सब संगा। ये भगवान शिव के परिवार में कथा का प्रभाव है। नारद जी ने कहा, ठीक है महाराज कथा कराऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, कथा का स्थल तो हरिद्वार में आपने बताया, ज्ञान वैराग्य बीमार है वृंदावन में, उनकी हालत क्या होगी?
यह बात सुनकर के सनत कुमारों ने कहा, जत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्याधिकं ब्रजे। जहां भगवान की कथा होती भक्त लोग अपने आप चले आते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भागवत कथा का आयोजन करे तो सबको आमंत्रित करना चाहिए। लिखा है भागवत, सबको सूचना दे दी नारद जी ने कौन कौन कथा सुनने आए। काभ्रिगोर वशिष्ठश्च वनश्च गौतम मेधातिथिर देवल देवरात रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रात्र जबिप्पलारा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायाशुको याजनिज हनुमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या शस्त्रिभिरायति प्रणयेन युक्ता। भृगु अत्रि वशिष्ठ अंगिरा वशिष्ठ पुलस्त ऐसे लोग पराशर इत्यादि सब कथा सुनने आए। जो विवाहित संत थे वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए, और जो अविवाहित थे वो अपने अपने ब्रह्मचारियों के साथ आए। गंगा आदि नदियां आई, सारे वेद आए, वेदांत आए, सारे मंत्र रूप धारण करके पधारे। जिन लोगों ने दीक्षा ग्रहण नहीं किया था, दीक्षिता नारद एनाथ, उनको नारद जी दीक्षित देर कर रहे हैं। सब विराजमान हो गए। देखिए दीक्षा का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में लिखा है कि अधिक्षितस्य वामोर कृतम सर्व निरर्थकम, जिसने मंत्र दीक्षा नहीं ली हो उसका सब शुभ कर्म निरर्थक हो जाता है। और पशुमियोनि मवापनोति दीक्षाहीनो मृतो नरः, मरने के बाद पशु हो जाता है। पशु किसे कहते हैं? पश्यति सर्वत्रम समानम यह सौ पशु, जो सबको समान रूप से देखता है वही पशु है। उसको क्या पता है हमारी मां है या हमारी बहन है, ये बेटी है, वो तो समझता नहीं, पशु नहीं समझता। इसलिए दीक्षा का बड़ा महत्व है जीवन में। सब कथा सुनने के लिए विराजे, कथा प्रारंभ हो रही है। सदा से ब्या सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा से ब्या सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा। यशा श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, यथा श्रवण मात्रेण हरि चित्रम समासे, सदा से ब्या सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा से ब्या सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा। ग्रंथो अष्टादश सहस्र द्वादश स्कंध संहिता, ग्रंथो अष्टादश सहस्र द्वादश स्कंध संहिता, अष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध संहिता, ग्रंथो अष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध संहिता, परीक्षित शुभ संपाद श्रीणु भागवतम सदा से ब्या सदा से श्रीमद् भागवती कथा, सदा से ब्या सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा से ब्या सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा से ब्या सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा से ब्या सदा से ब्या
बोल भागवत क्या के चरणों में लग जाता है। चित्त ही चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णः। चित्त को शांत करने की सबसे बड़ी दवा है भगवान के चरित्रों का श्रवण करना। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, हजारों अश्वमेध यज्ञ भी भागवत की बराबरी नहीं कर सकते। गंगा गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी यदि कोई नहीं जा सका, भागवत ही सुना तो उसे इस सब का फल प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, जो भागवत नहीं सुने, नहीं सुनना चाहते हैं, उनके विषय में आप क्या कहते हैं? का आजन्म मात्रमपि येन सठे न किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवद वदते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाग। ओ जीते जी मुर्दे की तरह है, चांडाल है, गधा है। कहते हैं जीवच्छवो निगदित सदुपाप करवा, वो पापी है। सनत कुमारों को देखकर नारद जी ने कहा, आप गाली क्यों दे रहे हो महाराज? सनत कुमार बोले, हम गाली नहीं दे रहे हैं। मेवम बदंत दिवदेव समाज मुख्या, आकाश में जो देवलोक में देवता खड़े हैं वो गाली दे रहे हैं कि रे दुष्ट कथा नहीं सुन रहा। इसका मतलब ये कि जो कथा का विरोध करता है वो भी गाली का पात्र है। कथा का अनुमोदन, कथा की अनुशंसा, कथा की प्रशंसा, कथा का सहयोग करना चाहिए। बोले कब करना चाहिए? बोले दिनानाम नियमो नास्ति। भागवत में लिखा है, बच्चों ने कहा कि महाराज जी 10 जनवरी से हम लोग कथा कराना चाहते हैं। हमने कहा, भाई 10 जनवरी से तो हम खाली नहीं है। एक डेट है, कुरुक्षेत्र से आऊंगा 26 को, तो 31 से 6 तारीख तक पटना में कथा करनी है। अगर कहोगे तो ये डेट तुम्हारे लिए खाली, नहीं तो सब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सब फिक्स। बोले महाराज जी, तब पंडित जी से पूछते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग जो हैं, जो ज्योतिष कर्मकांड का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने कहा कि खर मास है। मैंने कहा, तब भाई अब हम तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात है कि कथा के लिए कोई बहुत मास की आवश्यकता नहीं है, तब क्या करो? कहते दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन का कोई नियम नहीं, सदा सर्वदा भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं। आप कुछ लोग कहे महाराज बच्चा है अभी कथा, अरे राम राम, वही तो सयाना होगा, बच्चों को कथा सुनानी चाहिए। कथा जरूर सुनानी चाहिए छोटे बच्चों को, क्योंकि उनके संस्कार होंगे तो उनके भी बच्चे होंगे। सत्संग के लिए कोई आयु नहीं, सत्कर्म के लिए कोई मुहूर्त नहीं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। सौनक ने पूछा, महाराज भागवत की इतनी महिमा कहां से आ गई? सूत जी ने कहा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर रहे थे, उस समय उद्धव जी ने जाकर किया, गोविंद आप तो जा रहे हो लेकिन संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा? तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, ये जो तुम्हारे हाथ में श्रीमद् भागवत की पोथी है, मैं इसी में प्रवेश कर रहा हूं। स्वकीयम यद भवे तेजस्तच्च भागवते दधा। भगवान ने भागवत में ही अपना संपूर्ण तेज प्रवेश करा दिया।
और भगवान ने कहा कि इस भागवत को जो प्रेम से सुनेगा, सुनवाएगा, सुनाएगा, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तेनेयम् वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षावर्तते हरे। यह भगवान का वाङ्मय विग्रह है। इस सप्ताह का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार की कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाना शुरू कर दी। कहा? वृंदावन में, ये हरिद्वार में। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी जजमान बन के सुन रहे हैं। कितना हूं बड़ा विद्वान हूं, उसे कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। बोले हम तो कथा सुन लिए महाराज। नहीं नहीं, मुहुर हो रसिका भोई भाव का, बार बार कथा सुनो। कथा हो ही रही थी कि एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? का भक्ति सुतौ तौ तरुण भक्ति सुतौ तौ तरुण सहसा विराजे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद कथा हो ही रही थी कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। प्रेम से बोले भक्ति महारानी जय। लोगों ने पूछा कहां से आई हो? का ताम चागताम भागवता अर्थ भूषाम। भागवत के अर्थ से प्रकट हुई है। केवल श्लोक पढ़ लेना नहीं, श्लोकों का अर्थ भी आना चाहिए। भागवत के अर्थ से भक्ति प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य आए, नाचने लगी। लोगों ने पूछा कैसे आई, सारी बात बताई। भक्ति ने कहा मैं कहां बैठूं? शरद कुमारों ने कहा वैष्णवों के हृदय में जाकर विराज। क्यों? तुम सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या निवसत हृदये शाम श्री हरिर् भक्तिरे। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति शत्रोपनद्धः। दुनिया की नजर में कोई कितना हो निर्धन हो, दुनिया की नजर में कोई कितना हो गरीब हो, दुनिया की नजर में कोई कितना हो धनहीन हो, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति विराजती है भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े आते हैं। केवल भजन करते रहो, भजन करते रहिए, भगवान जरूर आएंगे। एक बड़े सुंदर संत, एक उनकी बड़ी सुंदर एक है, बड़ी प्यारी रचना है, बड़ी सुंदर प्यारी रचना है। कबहु कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी।
कहो ना भजन मा कैसे बीते हो ना भजन मा कैसे बीतेगी कबहो की हो ना भजन मा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी जय जय हो जय जय हो जमते जब हवनवा कैसे बीतेगी हो जमते जब हवनवा कैसे बीतेगी हो ना भजनवा कैसे बीतेगी मतलब माला पहनना ही भजन नहीं किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण भजन भगवान का करते रहना चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा भक्ति पर तो प्रभु की कृपा हो गई महाराज लेकिन एक बात बताओ कि भागवत की कथा से किनका किनका कल्याण होता है। शरद कुमारों ने कहा जो व्यक्ति अपने जीवन भर पाप किया वो भी भागवत सुने तो कल्याण होगा, जो अपने माता पिता से द्वेष किया उसका भी कल्याण हो जाता है, जो जीवन भर झूठ बोला उसका भी कल्याण हो जाता है, जो दंभी है पाखंडी है मत्सी है ईर्ष्यालु है दूसरे से द्वेष करता है ऐसा पापी भी यदि भगवान की कथा सुने तो उसका कल्याण होगा। शरद कुमारों की बात सुनकर नारद जी थोड़े आश्चर्य में पड़े, पूछे किसी पापी का कल्याण हुआ है? कहा हां। अरे ये छोड़ो, जिंदे लोगों का जीवित लोगों का तो बहुतों का कल्याण हुआ, मुर्दों का भी कल्याण हुआ है। एक इतिहास सुना रहा हूं। अत्र ते कीर्ति श्याम अत्र ते कीर्ति इतिहासों पुराण यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजा कामराज इतिहास सुना रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्या सुना रहे महाराज? का एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। पंडित जी बड़े विद्वान थे, आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे पत्तन नाम का नगर था, सभी वर्ण धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे, उसमें एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित जी बड़े विद्वान थे, उनके पास एक पत्नी भी थी, सुंदरी थी।
उसका नाम था धुंधुली। शरीर से सुंदर थी लेकिन बहुत झगड़ालू थी, दिन भर झाड़ू से ही समाचार करती थी। पंडित जी डर के मारे घर में घुसते नहीं थे, हर समय नो एंट्री लगाए रहती थी। पंडित जी के पास सब कुछ था लेकिन एक पुत्र नहीं था। धुंधुली का दोष क्या था? सौभाग्य स्थापिका, अपनी बात मनवाने वाली थी। हम जो करो वही ठीक है। आधे से अधिक धन का पंडित जी ने दान कर दिया, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन आत्महत्या का संकल्प लेकर आत्मदेव जी ने जंगल की यात्रा की। संयोग से दोपहर का समय हुआ, एक सरोवर मिला, वहां उन्होंने जलपान किया, विश्राम करने लगे। सोचे थोड़े देर रुक जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठे। इतने ही देर में एक महात्मा आ गए। एक व्यक्ति ट्रेन में कटने जा रहे थे, ट्रेन में एक्सीडेंट करने जा रहे थे, अपनी आत्महत्या करने जा रहे थे, ट्रेन से अपने को मारने जा रहे थे, तो हाथ में टिफिन कैरियर लिए हुए। तो एक व्यक्ति ने पूछा कहां जा रहे? बोले ट्रेन में जा रहा हूं, ट्रेन से कटने के लिए, रेल से कटूंगा। तो एक व्यक्ति ने पूछा भैया ये ट्रेन से कटने जा रहे हो तो हाथ में टिफिन क्यों लिए हो? उसने कहा टिफिन इसलिए लिया हूं कि ट्रेन लेट आएगी तो खाए बिना मरूंगा, थोड़ो कि कुछ खा ही लूंगा। आत्मदेव जी बैठे थे, एक महात्मा आए, महात्मा को देखकर प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा क्यों रो रहे हो भैया? महात्मा को देखकर रोने लगे। बोले महाराज रो इसलिए रहा हूं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं। जो वृक्ष लगाता फलते नहीं, जो गाय पालता वो बच्चे नहीं देते। महात्मा ने कहा तेरे लीलार की रेखा पढ़ लिया, सात जन्म तक तुम्हें पुत्र की कोई संभावना नहीं। सन्यासी समझ गया ये बहुत ज्ञानी महात्मा, ये आत्मदेव समझ गए महात्मा बहुत ज्ञानी है। अब उनका चरण पकड़ लिया, बोले महाराज अब तो आपके सामने आत्महत्या करो। आत्मदेव जी बोले, ये महात्मा सोचे कौन से मुहूर्त में आए किसका मुंह दिखे, अब हमारे सामने ही आत्महत्या करेगा तो और पाप लगे। देखते ना कुछ लोग बैंक का लोन नहीं देते तो मिट्टी का तेल छिड़कने लगते है ना, बैंक वाले बोलते बस करो रहने दो। बोले पुत्रादि सुखहीनोयम् सन्यासः शुष्कः एव वा, पुत्र के बिना सारा सुख बेकार है। महात्मा बोले अरे सन्यास्त हो जा, नहीं माना दे दिया, लो ये फल ले जा अपनी पत्नी को खिला दे। महात्मा को दया आ गई, आत्मदेव को फल दिया। देखिए यह एक आध्यात्मिक रूपक है, आत्मदेव माने आत्मा, तुंगभद्रा माने यह शरीर, तुंग माने सीधे खड़ा, भद्र माने कल्याणकारी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा, नमस्कार। और इसमें रहने वाली जो आत्मा की पत्नी है धुंधली, उसी का नाम बुद्धि है। महात्मा ने विवेक रूपी फल दिया बुद्धि को खिलाने के लिए। ये अध्यात्म देखिए क्या गंभीर दर्शन है, फल ले लो जाओ खिला दो अपनी पत्नी को। फल लेकर आए आत्मदेव जी, पत्नी से बोले देखो देवी जी फल खा लो तुम्हें पुत्र होगा। धुंधली सोचने लगी मेरा पंडित बहुत सीधा है बहुत भोला है, अरे भैया फल खाने से किसी को बच्चा हुआ है? फिर सोचने लगी कि फल बच्चे गर्भशा गर्भेड़ो धर वृद्ध स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर
गृहकार्यों कथम भवि। सोचने लगी कि कहीं फल खाऊंगी, पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन घट जाएगा, अब शरीर से दुबली हो जाऊंगी तो मर भी जाऊंगी, गांव में आग लगेगी सब लोग भाग जाएंगे, हम कैसे भागेंगे, कहीं सुखदेव जी की तरह टेढ़ा हो गया तो जैसी आराम हो जाऊंगी, हम तो बहुत प्यारी सुकुमारी दुलारी है, गर्भ प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो बच्चा होने से पहले ही नमो नारायण आय हो जाऊंगी, और सबसे बड़ा कष्ट तो तब होगा जब बच्चा होगा तो उसको पालेगा कौन, और उससे भी बड़ा कष्ट तब होगा जब मंदायामपि शरबस्वम ननांदा संघरे तदा, बच्चा हो भी जाएगा मैं सौर गृह में रहूंगी और उसी समय मेरी ननद बधाई बजाते हुए आएगी, बक्से का ताला तोड़ के सब गहना गीठो लेकर फरार हो जाएगी तो मैं कैसे रहूं। केवल निगेटिव सोच रही है, केवल नकारात्मक सोच, ध्यान से सुनिए, यही धुंधली है, तर्क कर रही है, फल नहीं खाई। एक दिन उसकी बहन आई, पूछी क्यों बहन फल नहीं खा रही है, कारण क्या है, सारी बात बताई। धुंधली की बहन ने कहा देखो हमको बच्चा होने वाला है, हम तुमको अपना बच्चा दे देंगे। धुंधली ने कहा तुम्हारे बच्चे से हमारा क्या होगा, बोले हमारे पति को पैसा दे देना, हमको बोलेगा नहीं, तुम बच्चे वाली हो जाएगी। आजकल बड़े बड़े शहरों में दूसरे का बच्चा तीसरे को दिया जाता है, अरे अब तो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आ गई है, भी IVF वगैरह जो करते हैं उसमें कितनी धांधली होती है जो आप सुन नहीं सकते और समझ नहीं सकते। लेकिन दूसरे का बच्चा आजकल एडॉप्टेड सन ले रहे हैं लोग, अनाथालय में एडॉप्ट कर रहे हैं, आजकल माताएं भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती और पुरुष भी चाहते ना पैदा हो, एडॉप्टेड, जरा एडॉप्टेड लोगों की हालत देखिए क्या हो रही है। धुंधकारी ये लेकर आई उस बच्चे को, धुंधली धुंधली की बहन, और धुंधली को दे दिया, कहा और ये कहा कि फल का क्या होगा, बोले फल को गाय को खिला दो, असली है कि नकली परीक्षा हो जाए, पेट में कपड़े बांध करके चलो धीरे धीरे ताकि लोग समझे कि सगर्भा हो गई, वही नाटक करने लगी। पंडित जी बड़े खुश हुए, भगवान भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई कि हमारी पत्नी सगर्भा हो। एक दिन की बात है, उसकी बहन ने अपने पुत्र को लाकर दिया और धुंधली अपने बहन के पुत्र को लेकर पंडित जी को सूचना दी, पंडित जी मुझे पुत्र हुआ है बधाई बजवाओ। पंडित जी ये तो नाटक जानते नहीं थे, बधाई बजने लगा, श्राद्ध नांदी मुख श्राद्ध हुआ, जात कर्म संस्कार हुए, खूब दक्षिणा दी, विदाई किया ब्राह्मणों को। 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसे सर्वांग सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ, सारा शरीर मनुष्य का था, कान दोनों गाय के। गांव वाले बोले भैया भगवान की बड़ी कृपा है, आज तक तो सबको बछड़े होते थे, गाय को आज पहली बार जब धुंधली को बच्चा हुआ तो इसको भी बच्चा हो गया। आत्मदेव जी बोले दोनों का नाम रख लिया जाए। धुंधली ने कहा हम बच्चा जन्म लेने से पहले नाम रख चुके हैं, आजकल लोग नाम रखते हैं, ए से मम्मी का नाम, ए से पापा का नाम, ए से बेटी का नाम, ए से बेटा का नाम, और यही नहीं मम्मी का ए, पापा का पी, दादा का डी, अंकल का ए, सब मिला के ऐसा एडिडास नाम रख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है क्या नाम रखे। हाँ, एक व्यक्ति के घर में देखा मैं, रास्ता पकड़ के जा रहा था एक दिन गाड़ी से, तो उसमें लिखा था राहु भवन, तो हम अपने लोगों से बोले यार इस देश में ऐसे ऐसे पहलवान हो गए जो राहु को भी अपने घर में रख रहे हैं। तो एक आदमी ने कहा महाराज जी राहु भी आजकल के लोगों को देखेंगे तो डर के भाग जाएंगे, क्योंकि राहु के बाप मुराहु हो गए हैं लोग। एक ने कहा हो सकता है मुराहु लिखा हो, मुंह खत्म हो गया हो,
आजकल लड़कों का नाम लोग रखते हैं सन्नी, सब लोग साढ़े साथी अढ़ैया से बच रहे, घरे में सन्नी राहु केतु पाल रखे। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है, मेरे बच्चे का भी नाम धू पर रहेगा। बोले क्या रहेगा? बोले धुंधकारी। पंडित जी सोचे चलो कौन लड़ने जाए, काम खत्म करो। आत्मदेव ने इस बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। दोनों बड़े हुए, धुंधकारी महादुष्ट हुआ, गोकर्ण जी भगवत प्रेमी हुए। बिना नहाए धोए खा लेता था, मुर्दा छू करके खा लेता था, मुर्दा के ऊपर लिट्टी लगा के खा लेता था, मुर्दा का हाथ काट के चम्मच बनाकर खाता था, बात बात में लड़ जाता था, कुत्तों को गले लगाता था और गोद में लेकर चलता था। आजकल बड़े लोग एक शौकीन हो गए, कुत्तों को बेड पर लोग लेकर सोते हैं। बड़े बड़े घरों में बच्चे बच्चियां कुत्ते को ले रहे, मम्मी हाँ डॉगी को, जिसे मालूम पड़े कितना। अरे एक एक दोनों को तो मैंने देखा डॉगी को किस करते हुए, राम राम राम। हाँ अरे कितना हूं पढ़ा लिखा कुत्ता हो, लेकिन वो जो उसकी क्रिया है वो तो वैसे ही करेगा। पहले लोग लिखते थे अतिथि देवो भव, थोड़ा प्रमोशन हुआ, थोड़ी डिमोशन हुआ बल्कि कह लीजिए, तो अब लिखने लगे आपका स्वागत है, फिर उसके बाद वेलकम। एक एक महात्मा हास्य करते थे कि वेल माने कुआं, कम माने आइए, आइए कुआं में गिर जाइए। उनका एक अर्थ ये होता था। और अब आजकल क्या लिखते हैं, सावधान इस घर में कुत्ता रहता है। अब एक भी आदमी नहीं, सब कुत्ते ही हो गए। गाय कोई नहीं पालता, गाय की सेवा कोई नहीं करता, माता पिता को कोई नहीं पूछता, माता पिता को तो एक कमरे में बैठ पड़े रहो चुपचाप। लेकिन आजकल डॉगी को नहवाया कि नहीं बेटी, बोले नहवा दिया। अच्छा डॉगी को खिलाया कि नहीं, बोले खिला दिया। मम्मी पापा खाने बिना मर जाए लेकिन डॉगी जरूर खाएगा। ये संस्कारों का क्षरण हो रहा है। कुत्तों को लेकर बेड पर सोना, एक संस्कृत के विद्वान के हमें गया था, बड़े अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे ज्योतिषी थे। उनके घर गया तो देखा कि ज्योतिषी जी का पूरा शरीर कुत्ता चाट रहा था, वो प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा हे भगवान, ऐसे लोगों के हाथ से तो पानी पीने में भी पाप। जिस घर में शालिग्राम की स्थापना हो, जहां भगवान शिव का शिवलिंग रखा हो, जहां भगवान कृष्ण की पूजा हो रही हो, उस घर में कुत्ते, कुत्ता अच्छी बात है, बाहर रखो स्वागत करो, नहीं घर में कुत्ते को लेकर सोना। आज फैशन चला है, बड़े बड़े कारों में कुत्तों को लोग लेकर चलते हैं। अच्छा कुत्ता नहीं मिलता तो कुत्ते का फोटो पीछे लगा लेते हैं, और जो जैसा देखेगा वैसा ही होगा। आप एक अनुभव बता दे रहा हूं आपको, दिन भर कुत्ते का चिंतन करते करते रात भर कुत्ते हो, यही कारण है कि लोग अब भौंकना शुरू कर दिए। पहले 100 वर्ष तक परिवार एक में चलता था, एक भाई डांटता था तो दो चार भाई सुनते, चलो भाई बड़ा भाई ये बोल रहा है। अब तो बड़ा भाई बोलता है तो छोटा वाला भाई उसको दो चिटकना लगा, मारेंगे तुम्हारी बुद्धि, चुप रहो। एक कुत्तों से प्रेरणा मिली भौंकने की। पूछा भैया कुत्ते आप लोग तो बहुत चलते रहते हो, गंगा नहाए क्यों नहीं संक्रांति के दिन? बोले क्या करें महाराज, हम तो नहा कभी आते लेकिन अपने बिरादर से डरते हैं, जो असिंचक से दलसिंह सराय के क्षेत्र में जाएंगे तब तक वहां वाले आक्रमण करते। कुत्ता पालता था, बच्चे खेलने आते थे पकड़ के उनको छोक देता था, चोरी करता था। एक दिन अपने पिता की पिटाई किया, पिता को मारा, और जब पिताजी की पिटाई किया तो पिताजी रोने लगे। गोकर्ण जी बोले इसे कौन बात करे। गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट से बात नहीं करना चाहिए, जिसकी बुद्धि ठीक ना हो उससे कभी बात नहीं करना चाहिए। गोकर्ण जी के सामने जाकर आत्मदेव जी रोने लगे। तब
गोकर्ण जी ने दो श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देहे स्तिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साद पुरुषान् जय कामदृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। पिताजी सब छोड़ो, भगवान का भजन करो। ये जीवन में भजन का बड़ा महत्व है। देहस्तिमान सुधरे, हाड़ मांस के शरीर की ममता न करो। क्यों? क्योंकि ममता तो न गई मेरे मन से, ममता तो न गई मेरे मन से। से ससि मंडल बीच शाही छूटे ना कोटी जतन से तुलसीदास बलि जाऊ चरण की तुलसीदास बलि जाऊ चरण करके सेवा करो, घर छोड़ो।
आत्मदेव जी बोले धुंधुली जी आप भी चलेंगी? बोले आप जाओ। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठा। दशम स्कंद का पाठ करके शरीर का त्याग हरिद्वार आदि क्षेत्र में जाकर कर दिया। गोकर्ण जी घर छोड़कर चले गए। धुंधकारी अकेले अपनी मां को एक दिन फिर पीटा। गोस्वामी जी कहते कि बरु भले बास नरक करता ता दुष्ट संग जने देव विधाता दुष्ट संग दे। दुष्ट का साथ न देना है परमात्मा। एक दिन धुंधकारी ने मां को जब पीटा, मां बेचारी धुंधकारी के भय से कुएं में कूदकर मर गई। धुंधकारी पांच वेश्याओं को घर में ले आकर रखा। यह जीव ही धुंधकारी है। पांच वेश्याएं रूप रस शब्द गंध स्पर्श कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना ए भी हतई पंच भिरेव पंच। ये पांच अपने विषय से ही मारे जाते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श से। वेश्याओं ने सोचा ये चोरी करके धन ले आता है तो एक न एक दिन राजा पकड़ेंगे, पिटाई होगी इसकी, और जब पुलिस इसको रिमांड पर लेगी तो सारी बात बक देगा तो हम लोग भी पिटे जाएंगे। इसलिए एक काम करते हैं, आज ही रात में इसको मार डालते हैं। धुंधकारी शराब पी करके घर आया। उन पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को पास में बांध कर रस्सी में बांध करके पहले फांसी लगाई, बड़ी पिटाई किया। और जब धुंधकारी की पिटाई हो रही थी तो उसे लग रहा था मेरा मसाज हो रहा। हां, एक शायर ने लिखा है कि उसे भी देख तो पहचानने में देर लगे, उसे भी देख तो पहचानने में देर लगे, कभी कभी तो इतनी शराब पीता। तो शराब के नशे में बेहोश था, बड़ी मार मारा, रस्सी से सांप उसको फांसी लगाया, लगा के नहीं मरा। तब तप्तांगार समूहांश्च जलती हुई लुआठी उसके मुंह में लगा दिया। आज तक उस लुआठी को माताएं याद रखती हैं। लुआठा डाला, घर में गड्ढे खोदा, गाड़ दिया। लोग पूछे कहां गए धुंधकारी जी? बोले वो तो कमाने गए। अच्छा, बोले हां, पांच औरतों को रखने वाला कैसे पेट चलेगा, एक स्त्री से तो भरण पोषण हो ही नहीं पाता। पांच स्त्रियों को रखकर आदमी कैसे पेट चलाएगा? और हमारे यहां कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये भी मेरी स्त्री है, ये मेरे बच्चे हैं। ऐसे भी संप्रदाय हैं जिसमें पचासों पचास औरतें हैं, सौ सौ लड़के हैं। उनका काम है जनसंख्या बढ़ाते रहो, बस प्रोडक्शन करते रहो। धुंधकारी मारा गया, पांचों वेश्याएं भाग गईं। गोकर्ण को पता चला, जहां जाते थे तीर्थों में तो अपने भाई के लिए श्राद्ध करते थे। एक दिन उनको मन हुआ चलते हैं गांव। घर आए, रात में सोना चाहे, धुंधकारी उग्र प्रेत रूप धारण करके आ गया। प्रेत शब्द व्याकरण की दृष्टि से
प्र उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु में क्त प्रत्यय हुआ है। प्रकृष्ट रूपेण यह लोकम त्यक्त्वा ततः गतः इति प्रेतः। प्रेत का शरीर तीन तत्व से बनता है, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व। हमारा शरीर पांच तत्व से बनता है। धुंधकारी ने अपने उग्र रूप को दिखाया, कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा बन जाए। गोकर्ण जी महाराज बड़े दुखी हुए, भाई इतनी रात को आप परेशान क्यों कर रहे हैं, कौन है? जल उठाया और अभिसिंचन किया, बोल पड़ा धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेतना। स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई, क्या नाम है? बोले मेरा नाम है धुंधकारी। अपने पाप से मैं इस गति को प्राप्त किया हूं। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध संचित क्रियमाण कर्मों का ही फल भोगता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। अपना ही कर्म व्यक्ति भोगता है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अगर बोएंगे बबूल तो आम कहां से खाएंगे? धुंधकारी ने कहा मैं अपने पाप से प्रेत बन गया, इसीलिए शास्त्र कहता है अच्छा कर्म करो, अच्छी बात सुनो, अच्छे जगह बैठो, अच्छे लोगों की संग करो, ताकि आपके अंदर अच्छाई आए। धुंधकारी ने कहा मैं ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन मेरी ये दशा हो गई, मैं प्रेत हो गया, मेरे लिए कोई उपाय करो। बोले गया श्राद्ध तुम्हारे लिए किया। का गया श्राद्ध 100 बार करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर मे न भविष्यति। गया श्राद्ध 100 बार करोगे मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं सामान्य प्रेत नहीं हूं। उपायम अपरह किंचिन, कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने सबसे पूछा, कोई जब नहीं बताया तब संध्योपासन कर रहे थे, मध्यान्ह संध्या, तच्चक्षुर्दय बहितं पुरस्ता चक्रमुच्चर तपश्येम शरद, सूर्योपस्थान कर रहे थे, उसी समय भगवान सूर्य से पूछे, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन ब्रूहि मे मुक्त हेतुकम्। हे भुवन भास्कर मरीचि मालिनी मार्तंड दिवाकर, भगवान सूर्य मेरा भाई प्रेत हो गया है, प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान करने का कोई सुगम सहज सरल साधन आप बताओ। भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। निश्चय अर्थ में कारक के अनुसार पंचमी व्यक्ति हुई है, भागवत से मुक्ति मिलेगी ही, यही बात कल फतेहा के महाराज जी पूज्य राम सुमरन दास जी ने कहा।
मुक्ति करतले स्थिता, ये हाथ पर मुक्ति देने वाली भागवत है, लेकिन भागवत को भागवत समझ के सुनेंगे तब तो, और भागवत की कथा होगी तब ना, अब तो भागवत की कथा होती ही नहीं, अब तो केवल आर्केस्ट्रा के गीत गाए जाते हैं, श्लोकों का वाचन हो, श्लोकों का पारायण हो, नियम विधि श्रद्धा के साथ कथा हो, तब उसका फल प्राप्त होगा। गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया, गांव वालों को बुलाया, एक ब्राह्मण बालक को यजमान बनाया, एक बांस रखा हुआ था सात गांठ का, उसी में धुंधकारी घुस गया, प्रेत है वायु रूप में। सात दिन की कथा हुई, पहले दिन की कथा में ही बांस की गांठ फटी, लोग बोले भैया ये लग रहा है बम फूट रहा है, बोले बम नहीं फूट रहा है, ये गांठ फट रही है। ये क्या गांठ है? बोले राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मान मद मत्सर ईर्ष्या अभिनिवेश की गांठ है। इसी बात को गोस्वामी पाल उत्तरकांड में कहते हैं, चोरत ग्रंथि पाव जो सो, चोरत ग्रंथि पाव जो सोई, अब यह जीव कृतार्थ हो ये, तब यह जीव कृतार्थ हो, चोरत प्रमाद उन्माद विषाद अवसाद विवाद से विमुक्त होकर के आप नंदन मदन मोहन भजन भजनंदन नंदनंदन द्वारिकाधीश मथुरा नाथ द्वारिका नाथ भक्तवत्सल कृपावत्सल करुणावत्सल शरणागत भगवान के सौंदर्य सौगंध सौ मनस सौरस्य का आप्यायन समास्वादन आस्वादन रसास्वादन नहीं करेंगे तब तक आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सामान्य भागवत नहीं है महाराज, भागवत इदम भागवतम, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। सात दिन की गांठ फटी, सुंदर स्वरूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो करके गोकर्ण को उपदेश देने लगा कि अस्ति स्तंभम श्रायुबद्धम मांसोड़ित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो। जो प्रेत था वो प्रकट हो गया सुंदर रूप से भागवत के प्रभाव से, और कहने लगा भैया ये जो मनुष्य का शरीर है ना ये डस्टबीन है। डस्टबीन? बोले हाँ। बोले इसमें केवल कूड़ा ही कचड़ा है, ये चमड़ी हटा दो तो केवल मांस मज्जा अस्थि और ये नाड़ियों से बंधा हुआ एक पिंड है, और क्या है इसमें? इसमें मलमूत्र रहता, और क्या है? ये चमड़ी हटा दो तो कुछ उसमें दिखाई देगा? कुछ नहीं है, पिंड है। लेकिन एकमात्र मनुष्य का ही शरीर है जो परमात्मा को प्राप्त करा सकता है। 11वें स्कंद में कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते। उत्तरकांड में भगवान भी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, और यहां तक कह दिया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आयन जे परलोक सवारा, आयन जे परलोक सवारा, मन कर विषया अनल बन जर, 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 होई सुखी जो
तेरी सर पर होई सुखी जो तेरी सर पर गुण ग्राम ही। उत्तरकांड में उपासना घाट पर भुसुंडी जी बैठे हुए हैं। रामचरितमानस में चार घाट, ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर, श्रोता माता पार्वती, कर्म घाट याज्ञवल्क जी वक्ता, श्रोता भरद्वाज, तीरथ राज प्रयाग, उपासना घाट के वक्ता भुसुंडी जी और श्रोता पक्षीराज गरुण, नीलगिरी पर्वत और दैन्य घाट के वक्ता गोस्वामी कलिपावनावतार द्विजवंतावतन से श्री राम भक्ति श्री राम पादारविंद मकरंद चंचरण चंचरी गोस्वामी तुलसीदास जी दैन्य घाट के वक्ता हैं। चार घाट पर चार वक्ता बैठकर कथा सुना रहे। भुसुंड जी कहते हैं, तरई न बिन से ए मम स्वामी, तरई न बिन से ए मम स्वामी, राम नमामी नमामी नमामी, राम नमामी सुंदर स्वरूप धारण करके धुंधकारी भागवत की कथा से एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया, विमान आ गया। धुंधकारी जी जब विमान आया तो गोकर्ण जी ने पूछा कि अत्रैव बहवः श्रोतारः मम निर्मला, बहवः श्रोतारः अत्र वर्तन्ते, आज इतने श्रोता हैं लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, ऐसा क्यों? तो भगवत पार्षदों ने कहा, कि श्रवणम तो कृतई सर्वम न कृतम मननम तथा, कथा तो सबने सुनी पर मनन नहीं किया। जैसे आयोजन कराने वाले आयोजन करा दिए, व्यास जी आए कथा कहे चले गए और फिर अपने काम में लग गए, नहीं नहीं तब तो उस कथा का कोई फल नहीं। कथा सुनने के बाद यदि जीवन में स्वभाव संस्कार नहीं बदला तो फिर कथा के आयोजन का कोई फल नहीं। बोले ये लोग कथा तो सुने पर कथा पर विश्वास नहीं किए, कुछ लोग आधे सुने, कुछ लोग पीछे सुने, कुछ लोग आधा सुनकर चले गए, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। फिर से एक बार कथा का आयोजन करो तब विमान आएगा। विमान पर बैठ करके धुंधकारी जी चले गए, फिर से कथा का आयोजन किया गोकर्ण जी ने श्रावण मास में, तो विमान आया सबको लेकर चले। अयोध्या वाचिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः, जैसे अयोध्या वासी भगवान श्याम भगवान राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद संवर्धन अवध नरेंद्र नंदन भक्त वृचंदन श्री रघुनंदन के साथ, जैसे समस्त अयोध्या वासी अवधवासी सबने भगवत धाम साकेत की यात्रा की, वैसे ही गोकर्ण जी अपने गांव के लोगों को लेकर चल पड़े। इसका अभिप्राय यह है कि गांव में यदि एक व्यक्ति अच्छा निकल जाए तो गांव और क्षेत्र समाज का कल्याण हो जाता है, दुर्भाग्य से एक दुष्ट पैदा हो जाए तो सबका सम्मान चला जाता है। इस भागवत का आयोजन भले ही असिंचक ने कराया, भले ही ये बच्चे जो करा रहे राहुल हरिओम इत्यादि इनके मित्र, लेकिन
इसका सुलाभ, इसका सदलाभ, इसका सद्भाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। ये आपका प्रयत्न, आपका परिश्रम, आप पर भगवान का अनुग्रह। भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए? का ब्राह्मणों से मुहूर्त का शोधन करो, पूछो। विवाहे यादृशं वित्तम्, विवाह में जितने पैसे खर्च होते उतना पैसा खर्च करो। कथा का आयोजन कहां करो? बोले विशाल, विशाला वसुधा यत्र, जहां हजार दो चार हजार लोग बैठ सके ना, वहां कथा का आयोजन करना चाहिए। ये नहीं कि बस एक कमरे में आयोजन कर दो तो पता चला कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं। और वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो, विरक्त हो वैष्णव विप्रो वेद शुद्ध वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योत निष्प्रिय। वक्ता के लक्षण है वि विष्णु तस्मिन रक्ता इति विरक्ता। वक्ता वैष्णव हो, यानी कि घर में कुछ और खाता हो, चेला के यहां कुछ और खा लेता हो। हाँ, बहुत से वक्ता ऐसे ना कि वो जींस पैंट भी पहन करके आपको घूमते हुए मिलेंगे, चाट समोसा फुल्की भी चाट रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, वे ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता। वैष्णव के साथ साथ ब्राह्मण हो, शुद्ध ब्राह्मण हो, और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, कथा को अच्छे ढंग से समझाने में कुशल हो, क्रोधी न हो, उन्मादी न हो, प्रमादी न हो, विषादी न हो, विवादी न हो। वक्ता सरल शांत सहज होना चाहिए। रोज भागवत का पारायण होना चाहिए, द्वादशाक्षर मंत्र गीता इत्यादि का जप होना चाहिए। कहते हैं भागवत साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह है। भागवत की कथा में सुंदर प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करो। प्रारंभ में संकीर्तन करो, अंत में संकीर्तन करो, बीच में कथा का दिव्य पारायण और कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा के समापन के बाद ब्राह्मण संत महात्माओं की विदाई करो, दक्षिणा दो, हवन कराओ, और हो सके तो कुछ प्रसाद भंडारा भोजन की व्यवस्था। अगर गृहस्थ हो तो कुछ लोगों को भोजन कराना चाहिए, कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। और यही नहीं, अगर वक्ता अगर श्रोता सन्यासी हो तो उसे भंडारा करने की आवश्यकता और हवन करने की कोई जरूरत नहीं, गीता पाठ कर दे बस हो गया। इस प्रकार से भागवत की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि सारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिय क्षणार्धम शिखंडी छंदे। असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिय क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा कल सुधा। पृथ्वी शस्त्रो शुभ तत्क्षणा निगम कल्प तरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभा। भागवत महापुराण का मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः स, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जकार से प्रारंभ कर रहे हैं भगवान वेदव्यास। और किसी देवता की स्तुति नहीं किया, दुर्गाम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान किया। ध्यान क्यों किया, प्रणाम क्यों नहीं किया? पातंजलि योग दर्शन में महाराज भगवान पतंजलि कहते हैं चित्तैकतानता ध्यानम। ध्यान क्या है? बोले चित्त का एकांत होना, चित्त का शांत होना ही ध्यान है। जब तक चित्त शांत नहीं तब तक कथा का कोई फल नहीं। सत्य को प्रणाम किया, क्यों? क्योंकि दुनिया में सभी लोग सत्य को मानते हैं। आप भले ही झूठ बोले, लेकिन आपका बेटा यदि आपके सामने झूठ बोले, आपका नौकर यदि झूठ बोले, बोले तू झूठ बोल रहा है, ऐसी गलती क्यों कर रहा है भाई?
क्योंकि सभी लोग सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य सब लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए सत्यम सच्चिदानंदम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेन। पहले श्लोक में सच्चिदानंद भगवान का ध्यान किया और दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय विषय संबंध अधिकारी और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है, भागवत के अधिकारी कौन है, भागवत का संबंध क्या है और विषय और भागवत का प्रयोजन क्या है, दूसरे श्लोक में बताया। तीसरे श्लोक में कहा वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ गलित फल है यह भागवत, सुखदेव जी के सुखतुंड से संस्पृश्य है, तोता ने इसको स्पर्श किया है, बड़ी मिठाई है, बड़ी मधुर है, अत्यंत मधुराति मधुर मधुर माधुर्य रस से आवृत है, इसलिए इस रस का पान करो। श्रीमद् भागवत महापुराण में शौनक ने 6 प्रश्न किया, शौनक के 6 प्रश्न भागवत में, शौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्न हैं, रामचरितमानस में माता पार्वती के 14 प्रश्न हैं, वाल्मीकि रामायण में भगवान नारद से वाल्मीकि के 16 प्रश्न हैं। अभी हम लोग भागवत सुन रहे इसलिए भागवत के ही प्रश्नों पर विचार करेंगे। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम्। पहला प्रश्न किया दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है, कौन प्रश्न किया, 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हुए सूत जी से शौनक ने प्रश्न किया दुनिया में श्रेष्ठ क्या है, किम श्रेयः। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य चातो यस्य चिकीर्षया। भगवान ने वसुदेव देवकी के यहां जन्म धारण क्यों किया। चौथा प्रश्न किया भगवान के उदार कर्म क्या है। पांचवा प्रश्न किया भगवान के अवतार चरित्र क्या कितने हैं। और छठवां प्रश्न किया कि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। जब भगवान श्याम सुंदर इस धराधाम से लीला का संवरण करके चले जाते हैं तो धर्म किनके शरण में जाता है। इस प्रकार से 6 प्रश्नों को किया तब श्री सूत जी महाराज ने गुरुदेव को प्रणाम किया। इसकी चर्चा कल हम लोग ठीक अपने समय से उपस्थित होंगे और इस महा दिव्य भगवत रस के महासागर में समाहित होंगे, क्योंकि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर सबसे बड़ी नौका है, इसलिए इसका जरूर आश्रय लेना चाहिए। आइए आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग यथास्थान खड़े हो करके उससे पूर्व नारायण आप सभी एक सूचना सुनेंगे। पापियों को पाप से है तार दे, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से
से है तार। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नाम यही हरि ध्यान यही नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये संत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुरी बोल जग पंती खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार दारु मुद्गिनहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता कविता त्वमेव त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव त्वमेव वीता द्रुढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीवागवत भगवान् की आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से तलेन सी तले कृणम देवता पुष्पे वंदनम मार।